हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जिसमें आपने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वही कंपनी डूबने वाली है, वो भी एक सप्ते के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो पहला जो कंपनी है दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, वोडाफोन आइडिया। दोस्तों इसके पास एक सप्ते का टाइम है, अगर एक सप्ते में ये कुछ नहीं कर पाया तो दोस्तों ये इसको जो है अपना कारोबार समेटना पड़ सकता है। क्यों, वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा दोस्तों, वो भी प्रूफ के साथ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं एक दिनों का अंदर इसने जो है 25% का जो है नुकसान दिया है। अगर दोस्तों 4 दिन ऐसे स्टॉक चलेगा तो 0 रुपए में सकता है। एजीआर मतलब कि एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू 7 दिनों के भीतर यानी कि 23 जनवरी से पहले टेलीकॉम कंपनियों को 1,47,000 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। 1,47,000 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। जियो अंबानी जी का है, भुगतान कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। एयरटेल वो भी कर सकता है लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी। लेकिन वोडाफोन आइडिया दोस्तों फंस गया, यहां पर फंस गया, और गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि वोडाफोन आइडिया को अपना कारोबार समेटना पड़ सकता है, वो भी 7 दिनों के अंदर। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, ये प्रूफ दिखाने के लिए मैंने यहां पर आपको लाया है। देखिए ये रहा दोस्तों वोडाफोन आइडिया का कितना कर्ज है, यहां देख सकते हैं टोटल डेट, मतलब कि दोस्तों कितना कर्ज है इस कंपनी के ऊपर, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, हां यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए, अगर इसको हम नंबर में काउंट करते हैं तो 1,08,000 के आसपास जो है इस कंपनी के पास पहले से कर्ज है। यहां पर देख लीजिए 1,08,000 के आसपास कंपनी के ऊपर कर्ज है। उसके बाद दोस्तों इसके पास टोटल असेट कितना है, जितना कंपनी का असेट होता है, देखिए अभी यस बैंक के पास क्या है, असेट नहीं है, इसी के कारण उसको जो है लॉस हो रहा है। और दोस्तों यस बैंक भी डूबेगा लेकिन उसके पीछे हाथ रहेगा वोडाफोन आइडिया का, ठीक है। ये डिप तो आपने देख लिया है कितना कर्ज है, लेकिन असेट देख लेते हैं, अगर कल को कुछ कंपनी को होता है तो कितना असेट है ये जो बेच के ये अपना उधार चुका सकता है। लेकिन दोस्तों 1,00,000 यहां पर देख सकते हो, आराम से 1,72,000 करोड़ यहां पर देख सकते हो दोस्तों। तो कुछ मतलब कि दोनों बराबर ही है, यहां पर देख सकते हैं क्यों बराबर है दोस्तों, क्योंकि 1,47,000 करोड़ इनको देना पड़ेगा और वोडाफोन आइडिया के पास एक पैसा नहीं है दोस्तों। आपको पता है टैरिफ को इंक्रीज करने के वजह से भी, लेकिन इंक्रीज किया भी, लेकिन वोडाफोन आइडिया को कुछ नहीं मिला दोस्तों, कुछ नहीं मिला वोडाफोन आइडिया को। और जल्दी दोस्तों गवर्नमेंट ने साफ साफ नोटिस जारी किया है कि वोडाफोन आइडिया को अपना कारोबार समेटना पड़ सकता है, वो भी आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। कंपनियां सरकार से एजीआर भुगतान के लिए समय बढ़ाने की अपील कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर भुगतान करने के लिए समय नहीं देता तो वोडाफोन को भारत से कारोबार समेटने को मजबूर होना पड़ सकता है। वोडाफोन को भारत से कारोबार समेटने को मजबूर होना पड़ सकता है। ये तो दोस्तों मेरा न्यूज था, लेकिन यहाँ पर देखिए न्यूज वायरल हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों वोडाफोन आइडिया के पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, मतलब कि कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा। जब वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हुआ था उसके बाद से दोस्तों इसने एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कभी भी जनरेट नहीं किया दोस्तों, जो मतलब कि वर्थ हो, इसके लायक हो। पहले आपको ये बताते हैं किस कंपनी को कितना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू सरकार को देना है। वोडाफोन आइडिया पर 53,039 करोड़ रुपए बकाया है। भारतीय एयरटेल को सरकार को 35,586 करोड़ रुपए चुकाने हैं। टाटा टेलीकॉम पर 13,823 करोड़ रुपए बकाया है। रिलायंस कम्युनिकेशन पर 20,434 करोड़ रुपए बकाया है। इतनी बड़ी रकम सिर्फ 7 दिन में चुकाना कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए आसान नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर भुगतान के लिए समय सीमा नहीं बढ़ाई तो वोडाफोन को भारत से कारोबार समेटने पर मजबूर होना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया तो आपने देख भी लिया और सुन भी लिया दोस्तों, यही एक रीजन था जिसके वजह से वोडाफोन आइडिया में 25 से 30% का गिरावट देखा गया 1 दिनों के अंदर। तो ये हुआ पहला कंपनी, और दूसरा कंपनी कौन सा है जो वो भी डूबने वाली है वोडाफोन आइडिया के साथ। और दूसरा जो स्टॉक है वो है यस बैंक। दोस्तों यस बैंक में भी बहुत भारी गिरावट देखा जाएगा। क्यों, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, ये अभी तक भी मतलब कि कैपिटल रेज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा, इसका दोस्तों ब्रांड एंड लॉयलिटी जो भी था दोस्तों, ट्रस्ट बिजनेस में जो ट्रस्ट था वो भी डिक्रीज हो चुका है ज्यादा से ज्यादा। पहले जितना भी कैपिटल रेज करने के लिए बताया जा रहा था और रवनीत गिल जी के पास 100% कॉन्फिडेंस था, वो भी आजकल नहीं दिख रहा है। और आज के डेट में फिर से दोस्तों ये जो स्टॉक है दूसरा बॉटम बनाया है, और जितने भी एक्सपर्ट है वो
बोल रहे हैं कि दोस्तों ये जो है 10 रुपए के आसपास, 15 रुपए के आसपास, यहाँ तक कि दोस्तों फॉरेन ब्रोकरेज ने भी बोला है कि इसका जो टारगेट है 25 रुपीज तक आ सकता है। लेकिन क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि यस बैंक का जो एक्सपोजर है 6,000 करोड़ का, वो है वोडाफोन आइडिया में। अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ भी होता है तो उसके वजह से यस बैंक में भी नुकसान देखा जाएगा। पहली बात, यस बैंक को तो कोई कैपिटल रेज नहीं हो पा रहा, यस बैंक खुद दूसरे को पैसा देके फंस चुका है। जैसे कि आरकॉम अनिल अंबानी को जितना भी दिया दोस्तों, उधर तो मतलब उनको नुकसान ही हुआ है। DHFL में दिया तो उधर भी उसका पैसा फंस गया। उसके बाद वोडाफोन आइडिया, तो दोस्तों अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ होता है तो ये जो देख रहे दोस्तों 6,000 करोड़ जो है वो भी यस बैंक को नहीं मिल पाएगा। और जब ये नहीं मिलेगा तो पहला कैपिटल नहीं रेज हो पा रहा, और जो पैसा दिया गया है वो भी उसको वापस नहीं मिलेगा। मतलब कि दोस्तों कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यस बैंक भी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आजू बाजू मतलब जो भी उसके सपोर्ट थे वो भी वहां से उनको धोखा मिल रहा है, तो यस बैंक को भी यहां से जो है भारी गिरावट देखने को मिलेगा। और ये जो न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताया, वोडाफोन आइडिया और जो येस बैंक था, ये दोनों के लिए दोस्तों ये मैंने खुद से नहीं बताया है, ये जो नोटिस जारी किया गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया का, तो हमारा मतलब कि फर्ज होता है कि जो भी वहां से आदेश आता है हमें उनको फॉलो करना है। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया और येस बैंक पे दोनों पे ही इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपने ये दोनों कंपनी में बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाया है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक गुड न्यूज़ दोस्तों। वो गुड न्यूज़ क्या है? वो गुड न्यूज़ ही नहीं, बहुत अच्छा मतलब कि परफॉर्मेंस भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही आप लोगों को बोला कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। क्या बोला मैंने? एक दिन पहले। तो आपको प्रूफ भी तो चाहिए, तो आज के डेट में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि एक सप्ते के अंदर जो पास्ट परफॉर्मेंस है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना प्रॉफिट मैंने निकाल के दिया, वो भी तीन वीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको दोस्तों सबसे पहले अपने YouTube के यहां सर्च बार में जाना होगा और यहां पर सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। जैसे ही आप सर्च मारिएगा, देखिए परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट मेरा ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है यहाँ पर सारा वीडियोस आ जाएगा। ये वीडियोस में आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा दोस्तों, सारे वीडियोस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों मैंने कितना प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इतना प्रूफ जितना वकील दिखाते हैं दोस्तों, उतना प्रूफ मैं चाहता हूं कि आप लोगों को दिखा दूं। अपने तरफ से पूरा ट्राई करता हूं। तो देख लीजिए, मैंने बोला एक सप्ते का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए दोस्तों, 1 वीक मतलब कि दोस्तों यहां से जो है सारे वीडियोज 1 वीक का है, और ये देख सकते हैं 2 वीक का, मतलब ये पहले पुराने वीडियो हो गए और यहां से 1 वीक। यहां पर देखिए साफ साफ इंटरनेट में लिखा हुआ। अब मैं आपके सामने, मैंने गेल से स्टार्ट किया था, आपके सामने इस वीडियो पर क्लिक करूंगा और आपको सामने जो है प्ले करके दिखाऊंगा। सकते बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको पहले पता रहता तब तो आप खरीदारी कर सकते। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए पूरा वीडियो। तो अभी जिन्होंने भी खरीदारी किया है आसपास 200 या मान लीजिए कि मतलब ऐसे हैं जो 135 के लेवल तक भी खरीदारी किया, 140 के प्राइस में, तो मैं बोलूंगा दोस्तों अभी ये जो टाइम है आपको होल्ड करना है, पीछे रखना है आपको दोस्तों, जरूर यहाँ पर प्रॉफिट वाले। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला, आपको होल्ड रखना, पेशेंस रखना, और आपको जरूर प्रॉफिट होगा। मैंने बोला यहाँ पर कि आपको जरूर प्रॉफिट होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो ऐसे जो है ओपन माउथ बात करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड में। जिन्होंने भी खरीदारी किया है आसपास 200 या मान लीजिए कि मतलब ऐसे हैं जो 135 के लेवल तक भी खरीदारी किया, 140 के प्राइस में, तो मैं बोलूंगा दोस्तों अभी ये जो टाइम है आपको होल्ड करना है, पीछे रखना है आपको दोस्तों, जरूर यहाँ पर। तो देखा दोस्तों, मैंने साफ साफ इस वीडियो में बोला कि आपको जरूर प्रॉफिट होगा और आपको होल्ड रखना, पेशेंस रखना। मैंने ये वीडियो कब बनाया था, मैं आपको अपडेट भी दिखा देता हूं। मैंने वहां पर भी दिखाया, यहां पर भी दिखा देता हूं। यहां पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने ये वीडियो जो है 4 जनवरी को बनाया था। ये देख लीजिए, January 4 को मैंने ये वीडियो बनाया था, और आज के डेट में देख लेते हैं गेल कितना अच्छा परफॉर्म किया है। आज के डेट में देख लीजिए, गेल में थोड़ी बहुत गिरावट है, 126 का जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ दोस्तों, ये हाइएस्ट प्राइस कहाँ तक बनाया था। तो यहां पर देख लीजिए, गेल जो है 134 को टच करने वाला था दोस्तों, मतलब कि 130 को भी क्रॉस कर दिया था। हालांकि अभी गिरावट आया, लेकिन गेल में भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो मैंने कब बताया था दोस्तों, जब इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला था, तब। आज के डेट में आपको प्रॉफिट भी हो चुका है।
और दूसरा वीडियो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टाटा मोटर एंड रिलायंस इंडस्ट्री अब उगलेगा सुना। आप मेरा थंबनेल देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको कि रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा मोटर का प्राइस इंक्रीज होने वाला। तो देख सकते हो एक हफ्ते मैंने पहले बताया था टाटा मोटर और रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर का जाके देख सकते हो दोस्तों 200 का हाइएस्ट बनाया और रिलायंस इंडस्ट्री भी देख सकते हो आज की रेट में पहले जो 1500 का था अब देखिए 1600 को टच करने वाला है। तो दोनों में प्रॉफिट हुआ। अब उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों प्रेस्टीज स्टेट था, ये भी आप लोग सामने प्ले करके दिखाता हूँ दिनों में आपको। और मैं एक मिनट दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देना चाहता हूँ प्रूफ के तौर पे, क्योंकि डेट सबसे पहले आप प्रीवियस डेट देख लोगे और आज का डेट देख लोगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वीडियो पहले बनाया गया था, बाद में नहीं, प्राइस इंक्रीज होने के बाद नहीं, प्राइस इंक्रीज होने के पहले। और मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस प्राइस भी दिखाऊंगा और करंट प्राइस भी दिखाऊंगा, जिससे आप खुद जज कर सकते हो कि प्रीवियस में मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो किसके लिए अप्रोच किया था, फ्यूचर के लिए किया था या पास्ट के लिए किया था। तो देख लीजिए मैंने जो डेट दिखा रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं 9 जनवरी को, मतलब कि 9 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। तो यहाँ पर देख लीजिए थंबनेल भी आपके सामने है, यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है दोस्तों प्रेस्टीज एस्टेट गुड वैल्यूएशन बाय इट करके, मतलब खरीदने के लिए साफ साफ बोला। अब मैं आपको टाइटल दिखा देता हूँ, प्रेस्टीज एस्टेट गुड वैल्यूएशन बाय इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। आज के और जो मैं इसमें आपको प्राइस दिखाऊंगा प्रीवियस प्राइस और आज के डेट में भी। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे एक मिनट दोस्तों मैंने बोला इंक्रीज होने वाला है आने वाले दिनों में, तो मैं वीडियो आने वाले दिनों के लिए बना रहा हूं आज के लिए नहीं। बहुत सारे कारण है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो कंपनी का नाम दिखा देता हूँ, ये है प्रेस्टीज एस्टेट दोस्तों। इसका जो भी करेंट प्राइस चल रहा है 316 के आसपास चल रहा है, तो ये आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं खरीदा तो आप खरीद सकते हो। तो चलिए मैं अब इसके बारे में ए टू जेड फंडामेंटल में आपको बताऊंगा, तो ठीक है दोस्तों। और में बहुत अच्छा रिटर्न ए टू जेड फंडामेंटल हम बाद में देख लेंगे, पहले ये देख लीजिए जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तब उसका करेंट मार्केट प्राइस जो है 316 रुपीज चला था और मैंने बोला था ये अच्छा आपको प्रॉफिट देगा, और आज के डेट में देख लेते हैं क्या है इसका प्रॉफिट। तो ये रहा आपके सामने प्रेस्टीज एस्टेट दोस्तों, मैंने बोला था 316 रुपीज पे आपको बाय करने, आज के डेट में देख सकते हैं 375 है और ये हाईएस्ट कहां तक गया तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ 389, मतलब कि दोस्तों जस्ट ये 400 को टच करने वाला था। तो ये कंपनी में भी आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद देख लीजिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था रिलायंस इंडस्ट्री बाय इट टारगेट और लेवल, ये इसका देख सकते हैं, इसका भी मैं आपको डेट दिखा देता हूँ ये वीडियो मैंने कब बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों मैंने ये वीडियो जो है 14 जनवरी को बनाया था दोस्तों, जस्ट यही वीक में मैंने बनाया था और आप लोग सामने में वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा प्रीवियस प्राइस और आज का करेंट प्राइस। बताऊं कि दोस्तों इसका जो प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्री का वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बॉटम बना दिया है, ऑलरेडी बॉटम बना दिया है, जैसे ही वो उसको क्रॉस करेगा आपको अच्छा रैली देखने को मिलेगा। अभी देखिए करेंट प्राइस क्या है, ठीक है, अभी देखिए 1529, ठीक है, 1529 के आसपास है। आज देखिए 14 पॉइंट इसमें जो है गिरावट हुआ, लेकिन दोस्तों इस गिरावट का हमें जो है फायदा उठा लेना चाहिए एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पर। तो इस प्राइस पे हम मतलब की जम के खरीदारी कर सकते हैं और जम के खरीदारी करने के बाद दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जल्दी स्टॉक दोस्तों अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो अगर आपने नहीं खरीदा तो खरीद सकते हो। तो इतना ही काफी था दोस्तों आप लोगों के लिए, मैं इस वीडियो में साफ साफ आपको बोला अगर आपने नई खरीदारी किया तो जम के खरीदारी कीजिए और आने वाले कुछ दिनों में ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला। और यहाँ पर आप देख सकते थे जो करेंट प्राइस चला था रिलायंस इंडस्ट्री का 1529, और आज देखते हैं क्या इसमें रैली आया है या नहीं आया है। तो ये रहा आपके सामने, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 3% का जबरदस्त रैली है, यहाँ पर देख सकते हैं 2.80, ठीक है, 2.80 मतलब अराउंड जो है ये 3% होने ही वाला था। यहाँ पर देख सकते हैं जो हाईएस्ट मारा है दोस्तों 84, मतलब कि 1600 को टच करने वाला था। जब ये 1500 के आसपास ट्रेड करता था तब इसको कोई नहीं पूछता था, आज जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो सब इसी के पीछे भाग रहे। तो हमें कब खरीदना चाहिए, पहले खरीदना चाहिए, जब आप पहले खरीदोगे तब जाके आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा ए टू जेड। अगर आप जाके बीच में खरीदोगे तो आपको जेड आने से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा बस। तो ये लास्ट में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, इसका भी आप देख सकते हो थंबनेल, भारतीय एयरटेल दमदार प्रॉफिट की जोरदार तैयारी, मतलब इसका जो थंबनेल है दोस्तों वही इंडिकेट कर रहा है कि जो एयरटेल है भारतीय एयरटेल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। यहां पर भी देख सकते हो भारतीय एयरटेल दमदार प्रॉफिट की जोरदार तैयारी, आने वाले दिनों में देगा प्रॉफिट, ठीक है। मैंने थंबनेल के साथ साथ टाइटल भी वही लिखा, अब आपको डेट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 17 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, 17 जनवरी को, और देख लेते हैं कितना प्रॉफिट दिया है प्रीवियस और आज का प्रेजेंट। तो
तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन सा स्टॉक का जो प्राइस है आने वाले दिन में इंक्रीज होने वाला है, और वो अच्छा ही प्रॉफिट नहीं मतलब बहुत अच्छा मतलब बेहतरीन प्रॉफिट आप लोगों को निकाल के देने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से रखते हैं दोस्तों, तो वो आपको अच्छा से भी अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, अगर आपने नहीं खरीद किया है तो जम के खरीदारी कीजिए। ठीक है, और वो स्टॉक आप लोगों के सामने देख सकते हैं दोस्तों, भारती एयरटेल, जो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो करंट प्राइस है और जो अभी लेटेस्ट प्राइस आने वाला है वो, तो उससे आपको कंपेयर करके पता चल जाएगा कि हाँ इस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए मैंने ये भी बोला कि आपको कंपेयर करके पता भी चल जाएगा, और मैंने ये भी बोला कि आपको ये आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट भी देने वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय एयरटेल का जब मैंने वीडियो बनाया था तो कितना करंट प्रीवियस प्राइस क्या था, 473 था। ठीक है, आज के डेट में देख लेते हैं कितना है। तो आज के डेट में देख सकते हैं भारतीय एयरटेल का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है डायरेक्ट 500 है, और इसका हाईएस्ट कितना गया था वो भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 503 गया था। मतलब कि दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्म किया भारतीय एयरटेल भी। तो उसी तरह आप हमारे सारे YouTube वीडियो के साथ जो है पेपर ट्रेड कर सकते हैं सारे YouTube। देखिए मैंने जो है 4 दिन पहले UPL का बताया था, UPL में भी बहुत अच्छी तेजी आई है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर देख लीजिए, मैंने येस बैंक का बताया था कैपिटल रेज होने वाला था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर देख लीजिए अशोक लेलैंड में बोला था धमाकेदार, अशोक लेलैंड देखिए 80 रुपीज का जो स्टॉक था 84 हो चुका है। तो सारे स्टॉक में दोस्तों, तो अगर आप हमारे पास जुड़ना चाहते हैं तो एक कंडीशन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे डेमो ट्रायल सैंपल चाहिए, जो भी चाहिए वो यूट्यूब में अवेलेबल है। आप हमारे सारे वीडियोस के साथ जो है डेमो देख सकते हैं, सैंपल ट्रायल, चाहे पास्ट हो चाहे करंट हो चाहे फ्यूचर हो, जो भी आपको देखना है सारे वहां पर देख सकते हो। उसके बाद अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो। ये जो ऊपर वाला नंबर है ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, उसके बाद ये जो नीचे वाला नंबर है ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए।